अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। प्रेस वार्ता का आयोजन इस संदर्भ में किया गया है कि भू माफिया और नगर निगम के गठजोड़ का उजागर करने के लिए किया गया है। इसमें नगर निगम के अधिकारी और भू माफिया जो मेरे चाचा रविंद्रलाल तिवारी व्यापार मंडल के नेता हैं, जो व्यापार मंडल की नेतागिरी के आड़ में अधिकारियों को दबाव में लेकर और अपने काले कारनामों पर पर्दा डाल देते हैं, जिस पर भू माफिया जैसे कि अभी मेरे ही प्लॉट पर जो मेरे बाबा के नाम में दर्ज है जो दो प्लॉट गोपाल आश्रम के मोहल्ले में जलेसर रोड पर है, जो मेरे बाबा की मृत्यु से पहले ही मेरे चाचा के नाम में नगर निगम में दर्ज हो गए और उसमें जब उनसे नगर निगम ने पूछा तो उन्होंने कहा कि वसीयत के आधार पर दर्ज कराए। तो नगर निगम में ऐसा कौन सा कानून है कि किसी वसीयतकर्ता की मृत्यु से पहले ही वसीयत ग्रहता के नाम में वो दर्ज कैसे हो गई? यहाँ पर उन्होंने भ्रष्टाचार करके अपने नाम में दर्ज करा लिए और बसियत भी जो उन्होंने दिखाई है वो बसियत भी किसी और के नाम में है, रविलाल तिवारी जी के नाम में नहीं है, तब भी वसीयत उनके नाम में नगर निगम में कागजों में दर्ज हो गई है। तो इस तरह से ऐसे ही कारनामे करके ये भू माफिया लोगों की जमीन पर कब्जा करती हैं। हमने नगर निगम के अधिकारियों में से जाके रोज आना पूछते हैं तो नगर निगम के अधिकारी उन भू माफिया और नेताओं के दबाव में आकर हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, लगातार हमको उत्पीड़न कर रहे हैं और हमारे संग अभद्र व्यवहार करके हमको अपमानित करते हैं और कहते हैं इस फाइल के बारे में कुछ भी पूछोगे तो तुमको जेल भेज दिया जाएगा और जेल भेजने का दबाव बनाकर हमारा मुंडन कराती है। तो इस तरह से अब मेरे मीडिया बंधुओं से मेरा आग्रह है कि मेरी सुनवाई करके मेरी प्लॉट को बचाएं और मेरी जान माल की रक्षा करें। जांच अधिकारी नियुक्त किए गए थे, नगर आयुक्त साहब से मिले थे, उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई थी जिसमें जांच अधिकारियों ने उन्होंने कमेटी में रिपोर्ट भी बना दी है। सहायक नगर आयुक्त मैडम अपूर्वा पांडे और TS साहब और एक सुरेंद्र ड्यूडा जी करके हैं बाबू उनके, उन तीनों ने जांच करी, जांच करके उनके अपर नायब आयुक्त का प्रेषित भी कर दी है, पर वो जांच को बदलवाना चाहती हैं क्योंकि उन्होंने तो जांच ठीक करी, यदि जांच करके लाए, पर वो उनके माफिक नहीं है, अपर नगर आयुक्त साहब के और भू माफिया के लोगों के माफिक नहीं है, तो उसको बदलवाना चाहते हैं और क्या है, उनको रिलीफ देना चाहती है और भू माफिया को बचाना चाहती है। इसमें उनकी कोई ना कोई सांठगांठ हो गई है उनकी।